सुना है बड़ो दीदी वापस आ रही है लंदन से। मलय भी आ गया है ना वापस। 10 साल हो चुके हैं उसे देखी हुई। गिफ्ट लाया हूँ तुम्हारे लिए, ये देखो। मलय सड़क पे बेहोश हो गया है, वो गिर गया है। प्लीज प्लीज आप जल्दी चलिए। वैसे थैंक यू सही टाइम पे मुझे बचाने के लिए और इस काढ़े के लिए। मेरी ओपू को मलय के बारे में जानना है। वो ठीक है ना? वो बिल्कुल ठीक है, तुझसे मिलना भी चाहता है। मैंने कहा कि आपकी बेटी क्यों नहीं आई, मैं उसका वेट कर रहा था यहाँ। अप्पू से हुआ है, उसके आसपास एक छोटा सा जानवर भी जिंदा नहीं रह पाता, तो उसे इतनी भीड़ में ले जाना चाहती है। ये तुलसी का धागा तेरी तबीयत का ध्यान रखेगा। क्या हुआ मामूनी, आप परेशान लग रहे हो? मेरी ओपू पहली बार घर से बाहर जा रही है ना आज, इसीलिए। आप नहीं चाहते मामूनी मैं जाऊं? नहीं शोना, तुझे तो जाना ही होगा आज। मेरा मतलब है अब तेरी तबीयत थोड़ी बहुत ठीक है ना, तो बस। पर अब भी तुझे कुछ चीजों का ध्यान देना पड़ेगा, अपना ख्याल रखना पड़ेगा। सबसे पहली बात, तू किसी से हाथ नहीं मिलाएगी। कोई तुझे हलो वलो करने की कोशिश करेगा तो सिर्फ नमस्ते कर दे। सब तुझसे बात करने की कोशिश करेंगे, पूछेंगे तुझे क्या हुआ था, अब कैसी है, बस ठीक हूँ कहकर आगे बढ़ना। और सबसे जरूरी बात, तू वहाँ कुछ खाएगी पिएगी नहीं। कोई कोल्ड ड्रिंक वोल्ड ड्रिंक पिलाने की कोशिश करे तो तू उसे छुएगी तक नहीं, बुझे चीश? मामूनी जॉल पानी भी नहीं। वहाँ पार्टी में पानी ऐसे बॉटल्स में मिले, तो अगर प्यास लगती है तो सिर्फ ऐसा बॉटल वाटर पीना है। और उसका सील अगर ऐसे टूटा हुआ हो तो मत पीना। ये तू क्या पंगे करता रहता है? अगर उसने सच में भांग पी ली और कुछ ऐसा वैसा हो गया तो? अरे अगर वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गई तो? भाई साहब, इसका भी पक्का इंतजाम कर रखा है। तू एक काम कर, एक राइट टर्न। क्या? अबे टर्न कर, अब यहाँ से सीधा 6 कदम चल। क्यों? अबे चल ना। चल। 2, 3, 4, 5, 6। कुछ दिखा? क्या? अबे नीचे नहीं, ऊपर देख। अबे ये क्या है? ये जाल है उस भूतनी को कैद करने के लिए, ताकि हम सब उसे जी भर के देख सकें। उसे सबके बीच में ट्रैप करना चाहता है। वो खूंखार होगी तो? खूंखार हो भी गई तो रहेगी तो जाल में फंसकर। और फिर मैं उस भूतनी को समझा दूंगा, भूतनी जी हमें पता है कि आपको इतने सालों से कमरे में कैद रहने की आदत है, तो हमने आपको यहाँ कैद करने का पूरा इंतजाम कर रखा है। अब बता, इतना ख्याल कोई रखेगा उसका? आज तो उस भूतनी से मिलकर ही रहूंगा। ये पहनना है मुझे, बहुत प्यारी लगेगी तो इसमें। टापुर, हाय टापुर। हाँ माँ। ये तेरे लिए। तू और अप्पू जल्दी से तैयार होकर पार्टी में आ जाना। अशो, ओपू को जरा तैयार कर देना। तू जानती है ना, ओपू पहली बार इस घर से बाहर जा रही है, उसका ख्याल रखना होगा तुझे। 1 मिनट के लिए भी उसे अकेले नहीं छोड़ना है। मुझे जरा जरूरी काम से बाहर जाना है, सीधे पार्टी में मिलेंगे। इस बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए।
ये मैं ये पहन के जाऊंगी पार्टी में। नेवर, मैं अभी माँ को बोलती हूँ। माँ, नानी, टप्पुर। माँ, नानी, टप्पुर। टप्पुर मेरी बात तो सुन। माँ, नानी, टप्पुर। टप्पुर बोलेगी हुआ क्या है? तेरे रहते तो ऐसा ही होगा ना? माँ तो है ही ऐसे, पर नानी, कम से कम उनको तो मेरे लिए अच्छे कपड़े लाने चाहिए थे। Damn it! I just hate my life. टप्पुर, दरवाजा अंदर से तो बंद है, तो फिर माँ गई कहाँ? Anyways. माँ, टप्पुर, माँ। मैं तो नहीं जा रही इस पार्टी में, तो तेरा देख ले। टप्पुर, ऐसा क्यों कह रही है? प्लीज चल ना। क्यों चलो? माँ को तो हमेशा तेरी ही परी रहती है, तो वो ही ले जाए ना तुझे अपने साथ। मेरे गले क्यों डाल दिया? ऐसा कुछ नहीं है टप्पुर। ऐसा ही है, ये देखना, तेरे लिए कितने अच्छे कपड़े, कितने अच्छे गहने, और मेरे लिए क्या, ये सेल में खरीदी हुई डाउन मार्केट ड्रेस। ये पहन के जाऊँ मैं मित्तल की पार्टी में? तो क्या है ना, मुझे अपना मजाक नहीं बनवाना है। टप्पुर, टप्पुर तो नाराज हो गई। मैं उसे ऐसे नाराज नहीं देख सकती, मुझे उसे किसी भी तरह मनाना होगा। पानी की भूतनी कब आएगी तू? चलिया तू चलिया। वाह वाह, मेरे बाबा को कभी किसी कैसे वेट करते हुए नहीं देखा मैंने। अरे ऐसा कुछ नहीं, मैं तो बस उस मिस्ट्री को हिस्ट्री बनाना चाहता हूँ, ताकि एक काम तो खत्म हो। अच्छा, एक काम खत्म, मानना पड़ेगा। वैसे पार्टी फिर इंडिया वापस लौटने की खुशी में दी गई है, लेकिन यहाँ सबका इंटरेस्ट दिल से ज्यादा उस अपू में है। सब उसी का वेट कर रहे हैं। इसका क्यों? अभी चाहिए, मैं तो आज पब्लिक में उसका ग्रैंड डेब्यू करने वाला हूँ, उसे जूस पिलाकर, और इसे पीने के बाद जो वो करेगी, फिर तो कोई उसे भूलने से ना। पर वो आएगी नहीं? आएगी भी या नहीं? आएगी। हाय कल्पना काकी। बसात से तुम्हारा इंतजार खत्म समझो मलय। पप्पू बसात ही होगी, अब वो लड़की है और पार्टी में आ रही है, वो भी पहली बार। और तुम तो जानती ही हो कि लड़कियां कितना समय लगाती है तैयार होने में। ठीक है। वैसे बोड़ो दीदी कहाँ है? मॉम शायद वहाँ होंगे। वैसे तुम बहुत हैंडसम लग रहे हो। मैं सोच रहा हूँ कि ये भूतनियाँ तैयार कैसे होती होगी। लंबे लंबे दांतों को साफ करने में टाइम तो लगता ही होगा ना, और ये लंबे लंबे जटाओं जैसे बालों में कंघी करना, जुआई निकालना, मेहनत का काम है। आई मीन नॉर्मली लोग खूबसूरती बढ़ाने के लिए मेकअप करते हैं, शायद ये भूतनी अपनी खूबसूरती को छुपाने के लिए मेकअप करती है। हो सकता है कि वो बदसूरत ना ही। सच में टप्पुर, बहुत सुंदर लग रही है। बहुत सूट कर रही है तुझ पे ये ड्रेस।
आई नो। अच्छा सुनना, तू माँ से बात कर लेगी ना, और हाँ उनको बोलना कि तू इस ड्रेस में कंफर्टेबल नहीं थी और इसीलिए मैंने तेरी ड्रेस पहन ली। पर देख, इस बार मेरे को डांट नहीं पड़नी चाहिए। हाँ हाँ बाबा, प्रॉमिस मायर दिव्य। हाँ हाँ, वैसे भी माँ तो तेरी हर बात मानती है, चाहे वो सच हो या झूठ। अब चले। आज 18 साल में पहली बार मैं इस दहलीज के बाहर कदम रखने जा रही हूँ और एक नई दुनिया में बहुत डर लग रहा है, पर तुम सब संभाल लोगे ना? प्लीज कृष्ण जी, कुछ गलत मत होने देना। आज से समझ ले कि तेरी किस्मत ने तेरी जिंदगी के सारे ताले खोल दिए हैं। अब से तू इस बंद कमरे के कैद से आजाद है शोना, और प्यार भी कर सकती हूँ। क्या हुआ, खड़े क्यों हो? देखो मुझे तुम्हारी वजह से पार्टी मिस नहीं करनी। अरे चलो चलो। कहाँ रह गई ये दोनों लड़कियां? बस अब ओपू जल्दी से आ जाए। भाग लो जितना भागना है। अतीत कभी किसी का पीछा नहीं छोड़ता। कल्पना,
नमस्ते रसिक जी। कल्पना जी, रसिक कहिए ना, जी लगाने से अपना पन्नी रहता। सुनिए, सुनिए, आप यहाँ आएंगे या मैं वहां आऊं? हाँ हाँ, अभी आया। इस लड़की की तो मैं जान ले लूंगी। ये कल्पना काकी के एक्सप्रेशंस टीवी के विलन जैसी क्यों हो गई है? लगता है इन्होंने अपनी बेटी को देख लिया है और इनके गुस्से को देख के लगता है कि इसने जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ की है। मुझे लगता है कि कल्पना काकी को अपना गुस्सा बचा कर रखना चाहिए। ये असली गड़बड़ तो तब शुरू होगी जब मैं उसे ये भांग वाला जूस पिलाऊंगा। मैं पहले ही बैकआउट कर रहा हूँ। हर बार गार्ड तू करता है और डंडे मेरे को पड़ते हैं। तू ना अपने आप को मेरे से सेफ डिस्टेंस पर ही रख, ओके? हाँ ठीक है ठीक है। वैसे भी मुझे तेरी कोई हेल्प नहीं चाहिए। जा, बैठ जा चाची के पल्लू में छुप कर, डरपोक नहीं का। Hi bro. Hey. How are you? Hey. Hi. Hi. How are you? टापू ने मेरे सारे किए कराए पर पानी फेर दिया। जो महंगी ड्रेस मैं इतना ढूंढ के अप्पू के लिए लाई थी ताकि वो पार्टी में सबसे अलग लगे, और वो ये टापू ने पहन लिया। करूं तो अब क्या करूं? पहाड़ और चुया भी नहीं निकली। अरे ये टापूर है, कल्पना काकी की नॉर्मल वाली लड़की। ओ, यार एक तो मुझे ये समझ नहीं आता ये लोग इंस्टॉलमेंट में क्यों आ रहे हैं। पहले कल्पना काकी आई, अब उनकी बेटी, जिसको आना है वो कब आएगी? शायद वो आज भी नहीं आएगी। शट अप यार, कल्पना काकी ने कहा था वो आएगी, वो जरूर आएगी। ओके ओके चल, इतना इमोशनफुल क्यों रहे तू? पूरी पार्टी में माँ मेरी जान खाएगी। टापुर रुकना। वाह कितनी सुंदर है ना, सो ब्यूटीफुल। ये कौन है? अरे ये कल्पना घोष की दूसरी बेटी है। कितनी प्यारी है ना? She is pretty. हाँ, बिल्कुल परी जैसी। कितनी क्यूट है यार। मासूम सी है ये लड़की। वाओ, गॉर्जियस। कौन है ये?
लाइट कैसे चली गई? ओह गॉड, फिर लाइट को क्या हुआ? पता नहीं, जाके जनरेटर देखो। जा। शिट यार, ये लाइट ने पार्टी का माहौल ही खराब कर। गाइस प्लीज पैनिक मत कीजिए, अभी थोड़ी देर में लाइट आ जाएगी। भाई जनरेटर में डीजल नहीं है, अगर डीजल नहीं है तो भरवाना, जल्दी जाओ। और हे कृष्णा, ये अंधेरा कैसे हो गया? कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। ये लाइट को भी अभी जाना था क्या? डैम, अब मैं उस भूतनी को कैसे देखूंगा?